अपने आप से कभी कोई भी नहीं चाहता कि शैतान आए मेरी जिंदगी में, लेकिन जब आप अभिलाषाओं में बढ़ जाते हैं। आज बहुत से बहन भाइयों की आत्मिकता कम हो रखी है, प्रार्थना कम हो रखे हैं, उपवास कम हो रखे हैं, जो अच्छी बातें उनकी ओर ध्यान ही कोई नहीं देता। परमेश्वर का दास बहुत कहता है ऐदा नहीं करना भाई, ऐदा करना है, ऐदा नहीं ऐदा करना। पहली बात तो कई बार पूछते भी नहीं है क्या करें, एक ही चीज है कि बस शैतान निकल जाए, चंगाई आ जाए और रोग चले जान, बीमारियां चली जान। अरे ये तो जाएंगी जाएंगे, इन्हें कोई रोक नहीं सकता क्योंकि आप खुदा की औलाद है। आमेन। आप परमेश्वर की बच्चे, इन्हें कोई रोक नहीं सकता है। आमेन। ये परेशानियां जाएंगी, सच कह रहा हूं, हालेलुया। लेकिन यीशु को तो अपने साथ रखें मेरे जी, प्रभु को तो अपने घर में रखें। आमेन, हालेलुया। मैं इसलिए कहता था ना, कई बार बहुत से बार क्या होता है कि किसी के खिलाफ चोरी ठगी बेईमानी किसी का नुकसान करने में आगे रहते हैं। एक होते ये तरीका है ना, और एक दूसरा होता है कि परमेश्वर के विरुद्ध पाप करना है ना। परमेश्वर के भवन में आ गए हैं और वचन सुन रही है, फिर जाके घर जाके क्लेश कर रहे हैं, या आने में क्लेश कर रहे हैं, या अपने दान दसवांश में बेईमानी कर रहे हैं, है ना। प्रभु के लिए कभी आगे नहीं बढ़ते हैं, सब कुछ उसके सामने ओपन है। मैं बोल रहा हूं, मैं भी ओपन हूं। हालेलुया। खुदावंद सब देखता है कि कौन कैसी लाइफ जीता है। हालेलुया। इन सब लाशों को बढ़ने ना दें कि मौत पैदा कर दे। हालेलुया। इन 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 चोरियों को आज ही खत्म करें, इन व्यभिचार को आज ही खत्म करें, इस मोबाइल के गंदे सीन देखने को आज ही खत्म करें। ऐसा ना हो कि ये आपके लिए मौत बन जाए, ऐसा ना हो ये आपके लिए परेशानी लेके आ जाए। हालेलुया। ऐसा ना हो लेके ये आपके बच्चों के लिए कोई मुसीबत लेके आए। हर मौत को, हर बुरी चीज को अपनी जिंदगी से जड़ से खत्म करना। सब बोलेंगे आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक अच्छी और पवित्र मन भावनी, जो आनंद की बातें हैं वही किया करें। सब बोलेंगे आमीन।